अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके पैन कार्ड के इनवैलिड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो गाइज वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज की वीडियो में हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पर टाइप करना है इनकम टैक्स। आप यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इनकम टैक्स की ई फाइलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगी। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। आप यहां पर अपना पैन नंबर टाइप करेंगे, यहां पर आधार नंबर टाइप करेंगे, फिर अपना नेम टाइप करेंगे जैसा भी आधार कार्ड में लिखा हुआ है, अपना मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे जो भी आधार कार्ड से लिंक है। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहां पर फर्स्ट बॉक्स को चेक कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में ईयर ऑफ बर्थ दी गई है। अगर आपके आधार कार्ड में ईयर ऑफ बर्थ के साथ मंथ और डेट भी दी गई है तो आप इसको अनचेक रहने देंगे। हम इस वाले टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और लिंक आधार पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी UIDAI को हमारे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। इसके बाद हम यहां होम पर वापस आएंगे। अब चेक करना है कि हमारा पैन कार्ड हमारे आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं, तो आप स्टेटस चेक करने के लिए यहां पर सर्विसेज पर आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर अपना पैन नंबर टाइप करेंगे, फिर आधार नंबर टाइप करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेटस आ जाएगा आपका पैन कार्ड लिंक हो चुका है या नहीं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स मैच होनी चाहिए। अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड में कुछ डिटेल मिसमैच होती है तो आप ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते। लिंक करने के लिए आपको पहले अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड में करेक्शन करानी होगी। तो गाइज इस तरह से आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं और फिर लिंक करने के बाद आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।